please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जेवर हवाई अड्डे का काम शुरू। योगी सरकार ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को 330 करोड़ रुपए की वितरण की मंजूरी दे दी है। इस वर्ष के शुरू में केंद्र द्वारा मंजूरी दे दी गई थी, जो जेवर पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू करने के लिए है। इस परियोजना को ट्रैक पर लाने के लिए यह पहला कदम है। राजस्व विभाग ने छतरपुर में ग्राम सभा की 17 बीघे जमीन को कब्जा मुक्त कराया। छतरपुर गांव में भूमि माफिया ने ग्राम सभा की 17 बीघा और 7 बिस्वा जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था। राजस्व विभाग ने कब्जा वापस लिया। यह जमीन लगभग 100 करोड़ रुपए की है। तेज शहरीकरण के बीच सरकारी भूमि के बड़े इलाकों को अवैध कब्जे से खो दिया गया है। दिल्ली में अनाधिकृत निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। दिल्ली में अनाधिकृत निर्माण की सीलिंग फिर से शुरू हो सकती है। अवैध इमारतों की पहचान करके और इन्हें सील करने के लिए अदालत नियुक्त निगरानी समिति को पुनर्जीवित करेगी, क्योंकि सरकारी अधिकारी इस तरह के अवैध ढांचों को बनने से रोकने में असफल रहे हैं। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने 20 एकड़ जमीन पर वापस करा कब्जा। ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भनोटा गांव में वनराज्यिक और आवासीय उपयोग के लिए चिन्हित 500 करोड़ रुपए की 20 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया। इस जमीन पर पिछले कई वर्षों से भू माफिया का कब्जा था। कब्जा करने के लिए अधिकारियों को भारी सुरक्षा बुलानी पड़ी। डीडीए की 1981 की परियोजना जल्द पूरी होगी। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आज कहा कि 1981 की रोहिणी आवासीय योजना को जल्द पूरा किया जाएगा। इस योजना में 14,352 लोगों को आवंटन सह मांग पत्र जारी कर दिया गया है। रोहिणी आवासीय योजना 1951 में MIG, LIG और EWS जनता श्रेणियों के लिए DDA द्वारा शुरू की गई थी और 2,497 हेक्टेयर क्षेत्र में योजना बनाई गई थी।